हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। और इसको आप चाहे नाश्ते में खा सकते हैं, मतलब पराठे के साथ भी दे सकते हैं, चाहे डिनर में बना लें, चाहे लंच में बना लें, कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए ली है मैंने एक प्याज, एक टमाटर, 5-6-7 हरी मिर्च ली हैं। आप जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और ये बहुत जल्दी और फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्राई पैन में तेल डाल देंगे, जब तक गर्म हो रहा है तो हम अपने पनीर को जो लाए हैं उसको हम अच्छे से धो लेंगे और उसे मैश कर लेंगे। तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाल देंगे, उसके बाद फिर प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देंगे उसको, ताकि उसका कच्चापन सा निकल जाए, ज़्यादा जलाना नहीं है। और उसमें टमाटर डाल दें, नमक डाल दें, हल्दी डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद उसे ढक के रख दें दो तीन मिनट के लिए, ताकि जब तक टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और उसे मैश कर दें टमाटर को। ये अच्छे से पक चुके हैं और इसमें डाल दें पनीर जो हमने कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे हाथ से भी मसल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। और उसे मिला के अच्छे से और ढक के रख दें 2-3 मिनट के लिए, और रख दें जब तक मेरी बेटी आ गई थी तो खेलने लगी वो। और ये बन के तैयार हो गई है, बहुत जल्दी और फटाफट बन जाती है। चाहे आप नाश्ते में बना सकते हैं, सुबह सुबह के नाश्ते में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। ये अंडे की भुर्जी की तरह ही होती है, मतलब वैसे ही बनती है, बस अंडे की जगह पनीर का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो जो आप अगर अंडे नहीं खाते तो पनीर की बना के इस तरह से खा सकते हैं। तो चलिए, मैं चपाती भी बना ली है साथ में, तो लगा देते हैं प्लेट। ये अंडे की भुर्जी है और ये मतलब बहुत जल्दी और मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी के साथ ही बनाई थी। तो चलिए, कैसा लगा है आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।